हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। फ्लिपकार्ट से मैंने फ़ोन मंगाया है, तो अपने टाइटल में देख लिए होंगे कौन सा फ़ोन है। तो चलिए अब बॉक्स ओपन करते हैं। हालांकि मैंने ये उसी टाइम ही ओपन करवा लिया था जो डिलीवरी बॉय आया था, क्योंकि इसके अंदर बॉक्स के अंदर, तो अभी मैं ओपन करने वाला हूँ। तो ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ये अभी एकदम सील पैक है, आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो मॉडल है पोको C55 है, C55, और इसी का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, और ये नाइफ मैंने ले लिया है। अब यहाँ से हम इसको बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, ठीक है। हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है, यहाँ से इसको भी रेपर को हम हटा सकते हैं इस तरीके से, और इसको रखते हैं साइड में और ओपन करने के बाद ये फर्स्ट इम्प्रेशन आपको कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा पोको, और इसको रखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इसको हम ओपन करते हैं इसको यहाँ से, और ये फ़ोन है, फ़ोन को साइड में रखते हैं। पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको इनबिल्ट क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर आपको ये मैनुअल गाइड्स मिलेगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिम इजेक्टर टूल, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये तो फट गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टाइप सी टू USB केबल, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख रहे होंगे। आपको टाइप सी नहीं है फ्रेंड्स, ये है नॉर्मल USB केबल दिया है, टाइप सी नहीं है ये। तो आप देख सकते हैं USB प्लस ये लाइटनिंग केबल टाइप का ही होता है ये भी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चार्जिंग, जो कि फास्ट चार्जिंग है, आपको सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये 10 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फोकस कर देता हूँ। अब इसको हम सारे चीज़ इसके अंदर हम रख देते हैं, इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद देखते हैं इसका फर्स्ट लुक कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं लेदर फिनिशिंग में देखने को मिलता है, और ये प्योर लेदर ही का ही होता है। यहाँ पे जो फिनिशिंग दिया है, पर लेदर नहीं है, प्लास्टिक टाइप का है, फिनिशिंग लेदर जैसा दिया गया है, पर ये लेदर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, अट्रैक्टिव भी है, कलर भी अच्छा है। और यहाँ पे आपको टेम्पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ नहीं दिया है, स्क्रीन कार्ड तक नहीं दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाना ही पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम ओपन करते हैं, बूट करते हैं, यानी कि फ़ोन को ओपन करने के बाद आपको इस टाइप का दिखे पोको पावर वाई एंड्रॉयड लिखा हुआ आ गया है, और इसके साथ कवर भी नहीं दिया है, आगे प्रोटेक्ट भी नहीं दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन के लिए अच्छी बात है, और ये टाइप सी चार्जर भी नहीं दिया है। बाकी हाँ, फ़ोन बहुत ही पतला है, 5000 mAh बैटरी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और फ्रेंड्स, इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इसका स्पेसिफिकेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा साइड हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, आपको 6 GB रैम देखने को मिलता है, 128 GB स्टोरेज, और जो इसमें प्रोसेसर लगा है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर लगा है, मीडियाटेक का हेलियो G85 प्रोसेसर है, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। 50 MP का आपको ये वाला कैमरा, फ्रंट कैमरा है, जो आपको देखने को मिलता है। उसके बगल में है जो कि डीप सेंसर जो सेकेंड कैमरा है, जो AI 5 MP कैमरा है।
और अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी आपको 5 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। बाकी हम सैंपल भी अभी लेंगे, एक दो फोटोज़ लेंगे, फिर देखते हैं कैसा फ़ोटोज़ आता है, वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो भी देखेंगे, ठीक है। और इसका डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो ये जो डिस्प्ले साइज़ है आपका, डिस्प्ले साइज़ आपको देखने को मिलता है 6.7.1 इंच का देखने को मिलता है, यानी कि डिस्प्ले काफ़ी बड़ी होने वाली है, काफ़ी अच्छी होने वाली है। 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, इसमें कनेक्टिविटी की बात करें तो 4G 3G 2G सारे कनेक्ट करता है और ये 4G फ़ोन VoLTE को सपोर्ट करता है। डुअल सिम आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि मैं अभी सिम निकाल करके दिखा देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएंगे। और इसको सेटअप करना भी बताऊँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम लेते हैं फ़ोन तो कई लोगों को सेटअप करना नहीं आता है, और साथ में साउंड टेस्टिंग भी करेंगे कि साउंड इसका कैसा है, ये भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सिम है, जो कि दो सिम लगा सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी और भी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 1 साल की वारंटी देखने को मिलता है, बाकी जो इसके अंदर बॉक्स के अंदर चार्जर वगैरह वो सब दिए गए हैं उसकी 6 मंथ की वारंटी मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर जो भी इसके बॉक्स के साथ में मिला है 6 मंथ की वारंटी मिलेगी। और इसमें आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, GPU वगैरह काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज है और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है। डिज़ाइन की बात करो तो लेदर जो होता है वैसा आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन ये लेदर नहीं है, ये प्लास्टिक ही है, प्योर कार्बोनेट प्लास्टिक बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है, और जो HD आपको प्लस डिस्प्ले है, जो कि आपको पता ही होगा, जो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो 20 Hz पे आपको ये जो है टच सेंसर काम करता है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अब चलिए सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद और भी चीज़ें बात करेंगे। तो यहाँ से मैं सेटअप कर लेता हूँ, तो यहाँ से इंडिया मैं सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज इंडिया और लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया है मैंने, और ये यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बहुत ही ईजी है, आप भी कर पाएंगे। और यहाँ पे स्किप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से अगेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्किप कर सकते हो। वाईफाई कनेक्ट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से आप इस सब को लोकेशन वगैरह बंद कर दीजिए, इस सब की ज़रूरत नहीं है हमें, जब ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से हम ऑन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट, स्क्रीन लॉक वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हो तो लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैटर्न लॉक लगा लेता हूँ, आप भी यहाँ से लगा सकते हैं, यहीं पे सेटअप करते टाइम ही लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो स्किप पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप का भी बटन देखने को मिलता है, पर मैं यहाँ पे स्क्रीन लॉक सेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन लॉक सेट करने से आपका टाइम बचता है, यहाँ से अगर सेट कर लेते हैं तो। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शंस दिखेगा, लोकेशन वगैरह ये सब वगैरह, एड्स वगैरह, पर्सनल एड्स वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये सब भी आप देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा इन सबको आप ऑफ़ कर दे, क्योंकि हमें ये एड्स वगैरह हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं, इन लोगों को पता नहीं होता है, और यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज करने वाला चाहिए नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए तो मैं एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से हमारा इस पर क्लिक करते ही हमारा सेटअप हो जाएगा, लोडिंग हो रहा है ऐप्स, और हमारा कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है फ़ोन। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम इसका म्यूज़िक टेस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। और गेमिंग टेस्टिंग अगर देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा, अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जैसे ही ये सेटअप होता है तो मैं आपको म्यूज़िक टेस्टिंग और डिस्प्ले की टेस्टिंग भी करेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसा है, यानी कि हम देखेंगे कितने FPS तक ये सपोर्ट करता है, मतलब कितना रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, कैमरा आपको क्या मिलता है, 4K मिलता है या फिर फुल HD मिलता है, वो सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो अब ये साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पावर बटन और साथ में वॉल्यूम अप और डाउन का, और यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे कि जिसको बोलते हैं ये माइक्रोफोन जिससे आपका वॉइस जाता है, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए स्पीकर है, ठीक है। स्पीकर टेस्टिंग करेंगे हम, और यहाँ पे सिम डालने का ऑप्शन होता है ऊपर में, 3.5 mm जैक यानी कि ईयरफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से फुल्ली हमारा सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर हम सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा को हम ओपन करते हैं सबसे पहले, और वाईफाई भी कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है। तो कैमरा सैंपल में हम एक बार इसको अलाउ कर देते हैं, और सेटिंग में जाते हैं, हम देखते हैं इसमें जो हमारा रेजुलेशन है वो कितना दिया गया है। तो सेटिंग ये रहा, सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे सेटिंग पे,
और यहाँ से वाटर मार्क, हाई रेजुलेशन ये सब तो देखने को मिलता है। वीडियो की बात कर रहे हैं, हम वीडियो पे जाते हैं। वीडियो पे जाने के बाद आप यहाँ पे सेटअप सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितना FPS तक ये रिकॉर्ड कर लेता है, यानी कि देखने को मिल रहा होगा। यहाँ रीसेट कर सकते हो कैमरा को, यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप 1080p तक कर सकते हैं, 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते आप इसमें, और 720p और 1080p, यानी कि ये है HD और ये है फुल HD, ठीक है। तो ये फुल HD तक सपोर्ट करता है, 4K वीडियो इसमें शूट नहीं कर सकते। इसमें अगर आप देखते हैं स्लो मोशन वीडियो भी आप इसमें नहीं बना सकते, स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ख़राब बात है कि आपको स्लो मोशन वीडियो देखने को नहीं मिलता है, जो कि आप इसके अंदर देखेंगे तो 50 मेगापिक्सल में आप फ़ोटो ले सकते हैं, नाइट मोड में फ़ोटो ले सकते हैं आप इसमें, और यहाँ पे टाइम लैप्स में भी फ़ोटो वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। नाइट मोड है ये, पोर्ट्रेट मोड भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट शॉट जो शॉट होता है वो नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। तो ये एक बार उसमें जाके फ़ोटोज़ वाले में देखते हैं एक बार वापस से यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे जो टाइमर वगैरह है, फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलता है इसमें, लेकिन आप यहाँ से और भी कोई फीचर्स नहीं है, ज़्यादा कैमरा में फ़ीचर्स नहीं है। फिर भी मैं एक दो फ़ोटो क्लिक करके देख लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने एक फ़ोटो ले लिया है, काफ़ी अच्छा फ़ोटो आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जो फ़ोटो अभी मैं शुरू में सबसे पहले कौन सा फ़ोटो क्लिक किया है, तो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। ये आपके सामने क्लिक किया था मैंने, और मैं गैलरी में से दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ज़ूम करने के बाद आपको कैसा दिखता है फ़ोटोज़। ये मैंने सामने से फ़ोटो लिए, काफ़ी क्लीन फ़ोटो देखने को मिल रहा होगा आपको, क्लियर आ रही है। ये बैक कैमरे से आपको देखने को मिलता है, काफ़ी आप कह नहीं सकते कि फ़ोटो कैसे लिया गया है। रेडमी के फ़ोन से आप इतना अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं फ़ोटोग्राफी अगर आप करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है। मैं इसका ब्राइटनेस जबकि कम कर रखा हूँ, इसको मैं बढ़ा दूँगा तो और भी अच्छा क्लियर फ़ोटो देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी गजब का आपको फ़ोटोज़ देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ से अब ये सेकेंड फ़ोटो देख लीजिए, ये भी आपको देखने को मिलता है जो कि बैक कैमरे से ही क्लिक किया गया है, और ये भी आपको बैक कलर से ही क्लिक किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो कलर टोन वगैरह है काफ़ी अच्छा है। फ़ोटो तो मैं आपको कह सकता हूँ इसका सॉफ्टवेयर में काफ़ी सुधार हुआ है और काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ोटो है, और मौसम भी काफ़ी साफ़ है। तो आप देख सकते हैं देखने को मिल रहा होगा, ये वाला फ़ोटो मेरे को सबसे ज़्यादा बेटर लगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा होगा सेल्फी, जो कि मैं सन के अपोजिट साइड में हूँ और मेरे फेस टोन आपको देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये सन के साइड में देखने को मिल रहा हो, मतलब डायरेक्ट सन मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ देखने को मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा इसने वो किया है, ब्यूटीनेस किया है, ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा हो, थोड़ा बहुत तो किया है पर काफ़ी अच्छा है। और ये देख सकते हैं डायरेक्ट सन लग रहा है, कैप मैंने उधर कर दिया है तो भी अब काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब फ़ोटोज़ था, ये फ्रंट, ये मैंने वीडियो बनाया बैक कैमरे से आपको देखने को मिल रहा होगा। अब बताइएगा मुझे कि वीडियो की क्वालिटी कैसा है। वीडियो क्वालिटी, वीडियो टेस्टिंग आपको मैंने बता दिया आपको कैसा देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऐसा देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे वीडियो टेस्टिंग में फ्रंट कैमरे का वीडियो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, फ्रंट कैमरे में थोड़ा लैग कर रहा है, अच्छे से फोकस नहीं कर रहा है, पर अगर आप ये बैक कैमरा देखेंगे तो फोकस भी कर रहा है, काफ़ी अच्छे से कर रहा है, ठीक है। लेकिन सेम ही है दोनों में अगर देखेंगे तो, ये फ्रंट कैमरा है जो कि काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है, बैक कैमरा, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आपको, फ़ोटो के बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पे मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ, आपको पता ही होगा जैसे कि मैंने बताया, साउंड टेस्टिंग करके देखते हैं कि हमारा साउंड टेस्टिंग कैसा आया, ठीक है। और तो फ्रेंड्स, साउंड देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, लाउड है, देख सकते हैं। और मैं इसको कम करके बढ़ाता हूँ और घटाता हूँ, साउंड क्वालिटी तो मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये कम करने के बाद ये 10% पे आप देख सकते हैं ऐसा साउंड आ रहा है, और जब
जब आप 70 से ऊपर जाएंगे तब आपको साउंड काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। आप देख सकते हैं 70% आ गया, 80% अरे 100% है। तो साउंड भी काफ़ी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि साउंड ख़राब है। और तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया वीडियो क्वालिटी और ये सब बता दिया सब कुछ। और इसके एंड्रॉयड सिस्टम की बात करें तो अभी कौन सा एंड्रॉयड सिस्टम इसमें मिला है अभी हम देख लेते हैं। तो आपको एंड्रॉयड 0.13 देखने को मिलता है, अपडेट करने के लिए आया हुआ है, जो कि 13.13% आपको अपडेट देखने को मिलता है। इसमें नया क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं इसको अपडेट कैसे करते हैं तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जा करके देख सकते हो। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया, स्पेस की बात करें तो आपको यहाँ पे 6GB रैम शुरू में बता दिया था, इस प्रोसेसर वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और रैम वगैरह भी देखने को मिल जाता है। ये देखिए स्टोरेज कितना मिल रहा है, 128GB बोल रहा है, जिसमें कि है ना आपको 106GB आपको मिल रहा है इसमें, बाकी जो इसमें पहले से भर गया, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर एप्स वगैरह है वो 30GB तक ये खुद ही इनबिल्ट कर लिया है, मतलब ले लिया है। 30GB नहीं, 16GB तक तो बोल सकते हो आप। तो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।